हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपन कुछ चीज़ों को लेकर डिस्कशन वगैरह करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें अपन जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, ठीक है, कि आखिरकार बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, ठीक है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को लेकर अपन डिस्कशन करेंगे, इस पर ट्रेड कैसे करना होता है, यहाँ पे आपको एंट्री एंड एग्जिट कैसे मिलेगा, साथ ही साथ इन सारी चीज़ों को जानेंगे अपन चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपका मार्केट यहाँ से बाई साइड में जा रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। देन मार्केट आपका करेक्शन करने के लिए हमेशा नीचे आता है, देन मार्केट क्या करता है, अगेन बाई साइड में जाता है, ठीक है। तो मार्केट बाई साइड में गया, करेक्शन करने के लिए अगेन मार्केट नीचे आएगा, राइट। फिर मार्केट अगेन क्या हुआ, वापिस बाई साइड में गया, ठीक है। करेक्शन करने के लिए क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, ठीक है। फिर क्या हुआ, मार्केट अगेन बाई साइड गया एंड करेक्शन करने के लिए नीचे आया। कुछ इस तरीके से मार्केट जो है अगेन एंड अगेन चलता रहता है जब तक कि अपना रिसेंट वाला लो ब्रेक ना कर दे, ठीक है। कुछ इस तरीके से मार्केट का सिनेरियो होता है जो मार्केट चलता रहता है, ठीक है। ये मार्केट का सिनेरियो है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन समझने वाले हैं कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है एंड इस पे कैसे ट्रेड किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए मार्केट में क्या क्या है। मार्केट इस टाइम से स्टार्ट हुआ, यानी कि एक ये सबसे लो था, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कुछ इस तरह से ट्रेड करता हुआ आ रहा हो, ठीक है। एंड देन ये लास्ट लो मार्केट ने यहाँ पे बनाया। तो इस लास्ट लो से अगर अपन ट्रेड लेते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले आपको एंट्री देखना है, ठीक है। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में क्या होगा, ये लास्ट ऐसा एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये वाला पॉइंट लास्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा। इसी ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट क्या करेगा, टैप करेगा, ठीक है। टैप करने के बाद क्या करेगा, मार्केट बाय जाएगा देन डाउन आएगा। अब डाउन इसलिए आता है कि मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन कर सके। अब करेक्शन करने कैसे आएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ आईडीएम होगा और यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग होगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, यानी कि आपका मार्केट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को लेके वापस अप साइड में चले गया, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, अगर इसको ब्रेक किया तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया आपका, ठीक है। देन उसके बाद मार्केट ने क्या किया, हल्का सा डाउन करेक्शन दिया, सेम वही एक ये सपोर्ट जोन भी यहाँ काम कर रहा है, और हो सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्डर ब्लॉक हो जिस ऑर्डर ब्लॉक को लेके मार्केट वापिस अप गया, ठीक है। देन मार्केट क्या करता है, अगेन बाई साइड में जाता है एंड करेक्शन करने वापिस आता है। तो ये वाला क्या होगा, ये आपका एज ए सपोर्ट भी काम करेगा और यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक भी होगा, ठीक है। कई बार मार्केट क्या करता है, ट्रैप करने के लिए कुछ इस तरह प्लानिंग करता है फिर अब जाता है, ठीक है। तो वो भी कर सकता है मार्केट, आपको ट्रैप करने का भी ट्राई कर सकता है। यहाँ से मार्केट अगेन अप जाता है एंड मार्केट हल्का सा डाउन आता है, ठीक है। सेम वही हो सकता है यहाँ कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है कुछ एफवीजी के साथ ऑर्डर ब्लॉक हो और ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। सेम यहाँ पे बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, अगेन यहाँ से बाई साइड लेने के लिए मार्केट अप जाता है इस ऑर्डर ब्लॉक से। देन मार्केट क्या करता है, हल्का सा डाउन आता है फिर, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, वही सेम चीज, यहाँ पर आईडीएम लेगा छोटे टाइम फ्रेम पे एंड देन यहाँ पे आपका मार्केट क्या करेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को लेके आपका मार्केट वापस अप जाने का ट्राई करेगा और ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट क्या करता है, अगेन अप जाता है, अप जाने के बाद मार्केट डाउन आता है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक लिया मार्केट ने, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक लेने के बाद मार्केट अप जाता है तो ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है यहाँ पर। देन इस ऑर्डर ब्लॉक को लेके मार्केट अगेन अप गया तो ये अपना क्या होगा, ये अपना क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। फिर मार्केट आता है अगेन ऑर्डर ब्लॉक को लेता है, ऑर्डर ब्लॉक को लेके वापस मार्केट क्या करता है, अप जाता है एंड देन यहाँ से डाउन आया था और ये वापस अप गया मार्केट, फिर क्या हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। इतना आपका मार्केट यहाँ से अप गया। अब आप ये समझ लीजिए, अगर आप इसको 15 मिनट पे देख रहे हैं तो इतना जाने में इसको लगेगा कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम, ठीक है। अगर न्यूज टाइम हो तो हो सकता है एक वीक में भी आपका काम हो सकता है, क्योंकि न्यूज टाइम पे क्या होता है, मार्केट बहुत स्पाइकली होता है, चाहे वो बाई साइड में हो चाहे वो सेल साइड में हो, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट क्या हुआ कि इसको ब्रेक कर देता है लो को, और जब भी रिसेंट वाले लो को ब्रेक कर देता है तो वो अपना आईडीएम कहलाता है,
जो कि मैं आपको अभी 2-3 बार बता चुका हूँ कि आईडीएम लेने के बाद जो भी फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा वो आपका जेनोनली वर्क करेगा, एंड लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक आपका वर्क करेगा जो 14 से पहले होगा, ठीक है। तो ये जेनोनली आपका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे काम करता है ये वाला, ठीक है। बट क्या हुआ यहाँ पे मार्केट में स्पाइक मार्केट ये आपका चोज कर दिया, यानी कि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। अब चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में ये जो पूरा का पूरा इधर जो सिनेरियो बना ये वाला, ये पूरा का पूरा सेल साइड सिनेरियो है, ठीक है। इस पे अपन बात नहीं करेंगे, ओनली मैंने बाय साइड के ऑर्डर ब्लॉक के लिए आपको बताया आज, ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अगर आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको आईडीएम चाहिए, ठीक है, यानी कि इंड्यूसमेंट चाहिए आपको। इंड्यूसमेंट आपको देखना होगा, अगर इंड्यूसमेंट देख लिया तो उसके बाद में आप चेक करना एफवीजी, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, या कई लोग इसको इम्बेलेंस भी कहते हैं, आईएमबी, ठीक है, इसके दो नाम है, फेयर वैल्यू गैप इम्बेलेंस। देन उसके बाद आपको देखना है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बीओबी, ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, आपको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखना है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है ये भी आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। ये देखने के बाद आपको चेक करना है एंट्री, ठीक है। एंट्री लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 1 मिनट, या आप मान लीजिए 3 मिनट, या आप 5 मिनट के ऊपर स्विच कर सकते हैं। 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट में आपको कंप्लीटली एंट्री लेना है, ठीक है। एंट्री लेने के बाद में क्या तरीके होते हैं, क्या मेथड होते हैं, वो मैंने आपको कुछ बता रखे हैं। आपने नहीं देखा तो लास्ट वाले वीडियो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। एंट्री लेने के बाद क्या होगा कि आपको कैंडल स्टिक चेक करना है, ठीक है। कैंडल स्टिक इसलिए चेक करना है, मान लीजिए वहां पे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि बुलिश कैंडल है, बियरिश कैंडल है, तो इस तरह करके ये 5-6 कंफर्मेशन आप लेंगे। देन उसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको ये सारी चीजें चेक करने के बाद में एक बाई की एंट्री लगानी होगी विद प्रॉपर एसएल। हाँ एक चीज और बता देता हूँ, बिना एसएल के आप एंट्री मत करिए। अगर बिना एसएल के आप एंट्री करेंगे आपका ही लॉस होगा, मेरा कुछ नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा आप ध्यान रखिए, इन चीजों को समझिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा अपन चार्ट की तरफ चलते हैं, चार्ट पे चीजों को देखते हैं एंड समझते हैं कि क्या हो रहा है। ये मेरे कुछ पहले के ड्रॉ किए हुए, इनको मैं हटा देता हूँ, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन 15 मिनट में स्विच हो जाते हैं। 15 मिनट में स्विच होने के बाद अपन देखते हैं डाउन से, ठीक है। ये एक डाउन पॉइंट है, इसको अपन पकड़ लेते हैं यहीं से, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, आपका मार्केट यहाँ पे दो चीजें करता है। सबसे पहले क्या, मार्केट डाउन आया, डाउन आने के बाद अप गया, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मार्केट डाउन आया, डाउन आने के बाद अप जाता है। अप जाने के बाद क्या करता है कि यहाँ पे एक करेक्शन करने के लिए हल्का सा डाउन आता है। डाउन आने के बाद बाई साइड की एक एंट्री लेता है। बाई साइड की एंट्री लेने के बाद में यहाँ पे ये करेक्शन करता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये जो करेक्शन होता है इसी करेक्शन के लिए अपन देखते हैं। तो ये क्या होगा, ये आपका जो छोटा सा करेक्शन यहाँ पे हुआ है ये काम करेगा एज ए आईडीएम, यानी कि इल्यूजमेंट के तौर पे, ठीक है। ये आईडीएम के तौर पे आपके साथ काम करेगा, ठीक है। अब जब ये आईडीएम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि आप ये चीज मत भूल जाना कि आपका लो पॉइंट तो ये था और मार्केट ये हाई तक गया, तो ये इंटरनल में ट्रैप कर रहा है आपको। यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल भी ट्रैप नहीं हो रहा, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में ट्रैप कर रहा है, ठीक है। ये इंटरनली बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल भी ट्रैप मत होना। आप सोचो ये अपना आईडीएम हो गया अपन यहां से, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल ट्रैप मत होना। अगर ट्रैप हो गए तो आप समझ लेना आपका एसएल वगैरह मार्केट आराम से खा जाए, ठीक है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक आया, देन मार्केट ने ये डाउन दिया, एंड मार्केट यहाँ का आप तक यहाँ तक गया, आपका इस पॉइंट तक मार्केट आपका गया, ठीक है। अब ये देखिए कि मार्केट जब यहां से कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, कोई लो तो ब्रेक नहीं किया इसमें, ठीक है ना, तो ये लो किसी ने ब्रेक किया और ये हाई था अपना, तो इस हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। हाई को ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ने हाई को ब्रेक किया तो अपना ये लो पॉइंट कंफर्म हो गया है इस पॉइंट पे, ठीक है। ये भी इंटरनली है अभी तक,
वही मेजरली इन्होंने ब्रेक नहीं किया है, क्योंकि अगर पीछे हाई देखे तो पीछे वाला ये हाई पॉइंट है अपना, बहुत ऊपर ही है, ठीक है, ये हाई रहेगा अपना, ठीक है। तो यहां से मार्केट बाय गया कुछ इस तरीके से, मैं आपको इंटरनल समझा रहा हूँ, समझना। उसके बाद मार्केट क्या करता है, डाउन आता है, मैं डाउन आने के बाद अप गया, एंड देन मार्केट क्या हुआ, डाउन आया, अप गया एंड डाउन आया, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो चल रही है, यहां तक इंटरनल चल रहा है पार्ट, ठीक है। बट इस पे आप ट्रेड कैसे लोगे वो अपन देखते हैं। तो क्या हुआ, पहले मैंने बताया था ये जो पीछे वाला बचा हुआ पॉइंट है कौन सा, ये वाला, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ, ठीक है। और ये जो पॉइंट बचा हुआ है ये आपका एफवीजी है, एफवीजी मींस होता है फियर, सॉरी पीवाई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का दूसरा नाम है लिक्विडिटी, और कुछ भी नहीं है इसका नाम, ठीक है, लिक्विडिटी। तो मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ट्रैप की। अब जब भी मार्केट आपके मेजर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी को स्वीप करता है, तो उस टाइम फ्रेम पे आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ये देखना है कि न्यूज है या नहीं है, नहीं है तो आंख बंद करके यहाँ एंट्री डाल देनी है, और एसएल आपको बिल्कुल छोटा सा रख देना, जैसे कुछ 5 पिप्स वगैरह का, जो कि ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर आप एक लोट की भी ट्रेड ले रहे हैं, स्टैंडर्ड लोट साइज, तो भी आपका यहाँ पे $50 का ही लॉस होगा, ठीक है। और क्या होता है कि जब भी ये एक एंट्री पॉइंट है, इसको मार्केट जाएगा तो बहुत अच्छा खासा आपको एंट्री देके जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस लो को देख लीजिए, किसी ने भी ब्रेक नहीं किया, इसने ओनली फर्स्ट टाइम स्वीप किया, ठीक है। अगर मान लो इसको स्वीप किया है, तो अब ये लो काम करेगा आपका, अब ये वाला लो बन जाएगा, ठीक है, ये लो यहीं तक काम करेगा, ठीक है। तो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया। सेकंड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा आपका, आपका मार्केट अप गया, ठीक है। अप जाने के बाद मार्केट ने अभी तक कहीं पे भी लिक्विडिटी नहीं ली, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मार्केट अप जा रहा है, ये यहां से यहां तक गया एन यहां तक गया, ठीक है। अब यहां आने के बाद मार्केट ने क्या क्या देखिए, सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था, ये वाला, ठीक है। देन उसके बाद मार्केट अप गया, तो ये आपका क्या काम करेगा, एज ए आईडीएम काम करेगा, और ये आपका एज ए ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, ठीक है। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक आया, लिक्विडिटी लेके अप गया, जो मैंने अभी बताया था, जब भी आपका मार्केट लिक्विडिटी लेता है, कैंडल क्लोज नहीं करे, बाय उठा लेना, ठीक है। सेम चीज हुई यहाँ पे, क्या हुआ कि ये आपका यहाँ पे एज ए आईडीएम काम करेगा ये पॉइंट, ठीक है। बट इसमें ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी लेने आया था इसकी, ये लास्ट लिक्विडिटी है, ठीक है, और लास्ट पीयूआई आपका ये बचा हुआ है। उसके बाद मार्केट क्या किया, अगेन बाई साइड में गया, ठीक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है, ठीक है, और ये आपका पीयूआई हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की लास्ट लिक्विडिटी हो गई, ठीक है। इसको मार्केट लेके वापिस अप गया, ठीक है, बट इसको टच नहीं किया, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक। तो आपका जो पूरा पीवाई जोन बना, मैं ड्रॉ कर देता हूँ उसको, ये पीवाई जोन, इसको टैप करके मार्केट अप जाने लगा, ठीक है, ये लास्ट आप चोच कह सकते हो उसको, अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो। तो यहां से आपका मार्केट अगेन बाय हुआ, तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्यों, क्योंकि मार्केट ने प्रॉपर कैंडल यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ना तो मार्केट ने इसको टैप किया प्रॉपर, ना ही इसको टैप किया, सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप करके जा रहा है। तो बाई साइड की जो ट्रेड होगी आपको ऐसे पकड़नी होगी, ये देखिए ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, और ये आपका पीयूआई और ये आपकी लिक्विडिटी होगी, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक एंड पीयूआई एंड एंट्री पॉइंट हो गया, ये वाला, ठीक है, और ये आपकी लास्ट लिक्विडिटी हो गई वहां से, ये आपकी लिक्विडिटी हो गई, फिक्स मार्केट ने लिक्विडिटी ट्रैप की, एंड मार्केट बाय गया आपका। मार्केट क्या किया, यहाँ पे इल्यूजमेंट करता है, ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है आपका, ठीक है, ये काम नहीं किया, लेकिन आपका ये क्या हुआ, ये जो होता है यहां से यहां तक फेयर इम्बेलेंस बचा हुआ है, मार्केट उसको टैप किया एंड गया। अब ये क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको, जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा ऑर्डर फ्लो होता है, एक पुल बैक होता है, तो पुल बैक क्या होते हैं, छोटे छोटे पुल बैक होते हैं, ये ऑर्डर फ्लो के तौर पे काम करते हैं। जैसे मार्केट अप गया, ठीक है, एंड देन डाउन आया, ठीक
ठीक है, अगर इसके नीचे क्लोज कर देता तो ये पॉइंट होता काम का, अदरवाइज यहाँ पे ये नहीं लगेगा। मार्केट अप गया, इसके नीचे क्लोज किया, डाउन आया, यहाँ गया क्लोज नहीं किया, नहीं आएगा, क्लोज किया नहीं आएगा, यहाँ गया सीधा यहाँ से यहाँ, कुछ इस तरीके से मार्किंग होती है। अब ये देखिए, ये जो बचा हुआ ऑर्डर फ्लो है इसको किसी ने टैप नहीं किया पूरे ऑर्डर फ्लो को, तो इसमें फेयर वैल्यू गैप भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, लिक्विडिटी भी है, बहुत सारी चीजें है इसके अंदर। तो मार्केट की लिक्विडिटी जो स्वीप हुई है वो यहीं तक हुई है, ठीक है। अगर आपको इस पॉइंट पे एंट्री लेना आता है तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एंट्री दिया है मार्केट, ठीक है। 61 61 पॉइंट्स का मार्केट ने आपको इंस्टेंट दे दिया है, 61 पिप्स आप कलेक्ट कर सकते हैं। अब आपका जो था यहाँ पे, ये आपका आईडीएम काम करेगा, क्यों? क्योंकि उससे पहले कुछ है ही नहीं, तो वापस मार्केट 61 पॉइंट डाउन आएगा अपना आईडीएम लेने के लिए। अब आईडीएम लेने तो आ गया, अब ऑर्डर ब्लॉक कौन सा काम करेगा आपका? ऑर्डर ब्लॉक सारे कंप्लीट हो चुके, ओनली सिर्फ ये लास्ट वाला बचा हुआ है, ठीक है। ये लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक आपका बचा हुआ है, क्यों? क्योंकि ऊपर वाले तो पहले ही वर्क कर चुके हैं। एक ऑर्डर ब्लॉक एक ही बार यूज होगा, बार बार नहीं होगा। यहां तक मार्केट आया, मार्केट बाय साइड गया, लेकिन हुआ क्या, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट यहाँ से गिर गया, ठीक है। सेल साइड में जाना था, करंटली मार्केट सेल साइड में। नेक्स्ट अगर आप यहाँ से सेलिंग प्लान कर रहे हैं तो ये आपका जोन रहेगा, और यहाँ पे ये आपका आईडीएम हो चुका है, यहाँ पे सेकंड आईडीएम है, एनएफपीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।